हालांकि मैं बहुत से परिचित नहीं हूँ, जो मंचासीन जितने भी अतिथि हैं सभी और जो दूर दराज से प्रतिभावान बच्चों के साथ में आए हुए पालकगण और प्रतिभावान विद्यार्थियों, साथियों, प्रतिभा सम्मान समारोह का जो आयोजन हो रहा है बड़ा हर्ष का विषय है। इसके साथ साथ प्रतिभाओं को हमको आगे बढ़ाने का प्रयास भी करना पड़ेगा। समाज में प्रतिभाएं रहती है लेकिन कहीं ना कहीं उनको आगे के लिए मौके नहीं मिलते हैं और प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से ये हमारे जो बच्चे हैं इनके मन में भी कहीं ना कहीं लालसाएँ प्रस्फुटित होगी और वो समाज का नेतृत्व करने की योग्य होंगी। मैं आज इस मौके पे मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी बैठे हैं इनसे अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि साथियों, आज का जो समय बड़ा विकट समय आ गया है ना, हमको हमारी प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं निखारने की आवश्यकता है। मैंने देखा है स्कूली स्तर तक तो आप लोग पढ़ पाते हैं लेकिन उच्च शिक्षा के द्वार कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए या तो बंद हो गए हैं या स्वतः ही आप लोगों ने आंखें मूंद ली है। तो समाज से भी अपेक्षा है कि सभी लोग इसके लिए प्रयास करें। जिला स्तर पे ऐसे जो आवासीय छात्रावासों की आवश्यकता बड़ी आन पड़ी है। यदि ऐसे छात्रावास यदि सभी जिलों में यदि खोले जाएंगे समाज के द्वारा तो जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं इनको मौके मिलेंगे। नहीं तो होता क्या है कि सभी लोग अपने अपने व्यक्तिगत प्रयास करते हैं और व्यक्तिगत प्रयासों में समाज की एक बहुत बड़ी धनराशि व्यय हो जाती है और फिर प्रतिभाओं को जो मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का वो मिल नहीं पाता है और फिर वो धराशाही सपने हो जाते हैं उनके और वापस लौट आते हैं। तो समाज से ये अपेक्षा है कि जैसे हमारे मंदसौर जिले में भी एक आवासीय छात्रावास का निर्माण हो और वहाँ न्यूनतम शुल्क पे हमारे विद्यार्थी जो है वो रह सकें, है ना, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मैं विद्यार्थियों से भी गुजारिश करूँगा कि साथियों, आज का जो थोड़ा समय है संचार क्रांति का समय है, आज का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये मोबाइल हो गया है, तो मोबाइल से थोड़ी दूरियाँ बनाएं, है ना, मोबाइल का उपयोग उतना ही करें जो आपको नॉलेज दे पाए, है ना, वो केवल इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन नॉलेज में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपको उसका मनोवांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मोबाइल का केवल उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक हो, नहीं तो यहाँ से जितने भी पालक हैं जो अपने माता पिता हैं आप लोगों को वहाँ भेजते हैं और वो निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ लिख के नाम रोशन करेगा, है ना, लेकिन वहाँ ऐसा देखने में आता है कि बच्चे जो है इस आधुनिक भाषा संस्कृति की चकाचौंध में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा विद्या अध्ययन से दूर हो जाते हैं और फिर जो है वो परिणाम हमको मिल नहीं पाता है, समाज में वैसे लोग आ नहीं पाते जो आना चाहिए। तो आज थोड़ा सा आप जो है इन चीज़ों को भी समझें, है ना, हमको यदि बाहर हमारे पालक भेजते हैं तो निश्चित रूप से हमको ज्ञानार्जन करना चाहिए, विद्या अध्ययन अर्जित करना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो केवल नॉलेज का समय है। पुराना प्राचीन समय था, है ना, जब जो है धन का बड़ा महत्व था, है ना, धन के माध्यम से जिसके पास जितना पैसा है ना उसी का समाज में बड़ा नाम होता था, प्रतिष्ठा होती थी। लेकिन आज का समय ऐसा है कि जिसके पास स्किल है, नॉलेज है, उसके लिए अवसर अनंत है। इसलिए आपको जो है नॉलेज एक्टिव करना पड़ेगा, है ना, अपने आप को योगी बनाना पड़ेगा। तो आजकल हर व्यक्ति अपने आप को बेच रहा है, जिसमें जितनी योग्यता है ना, उस आधार पे उसको खरीदा जा रहा है, बाजारीकरण का दौर चल रहा है। तो यदि हमारे अंदर नॉलेज है, स्किल है, तो आपकी उतनी ऊंची बोली लगाई जाएगी, है ना, उस लेवल की आपको सर्विस प्राप्त होगी। तो आपका आपको जो है अपना नॉलेज उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, कहीं कहीं ना कहीं जो है आपको जो आप सपने देखते हैं, जिन चीज़ों को अचीव करने के बारे में सोचते हैं, वहां तक पहुंच पाएंगे। दूसरी चीजें गुटखा पान तंबाकू, है ना, नशा की प्रवृत्ति से दूर रहना है, है ना, आए जहाँ भी देखें आप एवरीवेयर बच्चे जो है कहीं ना कहीं वो तरह तरह के गुटके वटके चबाते रहते हैं, जो कि न केवल शरीर का नाश करेगा वरन आपकी बुद्धि का भी नाश करेगा, है ना। व्यक्ति यदि मानसिक रूप से किसी नशे का गुलाम है
उससे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं और वो क्या समाज का नेतृत्व करेगा, क्या परिवार को दे पाएगा। इसलिए आप इस नशे की प्रवृत्ति से भी दूर रहें, है ना, और जिस उद्देश्य से आपको भेजा जा रहा है ना, परिवार के द्वारा भेजा जा रहा है, तो आप वो अचीव करके दें, है ना। थोड़ा सा परिवार के लोगों को भी आपके ऊपर गर्व हो, ऐसा प्रयास करें कि वो गर्व कर पाए। तो मैं आज के मौके पर केवल यही आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है अपनी प्रतिभा जो है उस प्रतिभा के आधार पे समाज में अपनी योग्यता साबित करके नेतृत्व प्राप्त करें और अच्छे से अच्छा स्थान प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आदरणीय मोतीलाल जी सरवन साहब से आग्रह करता हूँ कि वो बच्चों को अरे विदाउट माइक के, विदाउट माइक के बोल दो, दो शब्द तो कह दो। अपेक्षा आपसे आप देसी भाषा का प्रयोग करो, मजा आएगा। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष विनोद जी, मैं ऐसे आग्रह करता हूँ कि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुझाव प्रस्तुत करें। आप बच्चों से सबसे आग्रह है कि आप ताली बजाकर स्वागत करें इनका। हेलो, सर्वप्रथम शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले साहब और बहुजन समाज में जन्मे समस्त संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन और आज मालवी मेहर युवा शक्ति संगठन के तत्वाधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित सम्माननीय मंजा सिंह, सभी अतिथिगण, उपस्थित छात्र छात्राएं, सभी पालकगण और समाज के सभी वरिष्ठगण। साथियों, ये मेरा पहला मौका है जहाँ पर मुझे आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने ऐसा कार्यक्रम रखकर मतलब मेरे अंदर और थोड़ी और मतलब जो कार्य करने की जो शक्ति है उसको और मतलब बढ़ा दिया है, ताकि मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं भी यहाँ कुछ सीख रहा हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके यहाँ से सीखकर हम सुहासरा में भी कुछ ऐसा कार्यक्रम करें जिससे हमारे सुहासरा क्षेत्र में जो प्रतिभा हैं उनकी प्रतिभाओं को भी हम मतलब आगे तक लेकर आए, क्योंकि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, बस एक कमी रहे ताकि उस प्रतिभा को अपन एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस प्रतिभा को अपन आगे लाएं। तो आज हमारे पूर्व वक्ता ने कहा था कि आज का जो कार्यक्रम है विशेषकर छात्र छात्राओं का की प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम है, लेकिन छात्र छात्राओं की जो उपस्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम नजर आ रही है। तो ठीक है, जितने भी आए हैं हमें निराश नहीं होना है, ये हमारा पहला प्रयास है, फिर भी आपको बहुत बधाई। और दूसरा है सेकंड, हाँ तो शायद मुझे जानकारी नहीं थी ये, लेकिन मैं पहले कार्यक्रम में आया हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार, ठीक है सॉरी, तो ये दूसरा है, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारना है क्या, क्योंकि आपने जो किया है वास्तव में काबिल तारीफ है, क्योंकि पूरे मंदसौर जिले में मैं पहला कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूँ जहाँ ये देख रहा हूँ कि कम से कम मेरी नज़र में शामगढ़ अपने मंदसौर जिले में कम से कम शामगढ़ तहसील में तो थोड़ी सी जागृति आई है। और जो हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाएं बहुत कम हैं, बस हमें जरूरत है उन प्रतिभाओं को निखारने की। और मैं विशेषकर छात्र छात्राओं को बस एक या दो बात बताना चाहूँगा कि प्रतिभा अगर प्रबल है तो किसी से नहीं दबती, न सुविधाओं की कमी से, न काम के बोझ से, और जिसमें काबिलियत होती है उसको दिया नहीं दिखाया जाता। अगर आपके अंदर अगर प्रतिभा है, टैलेंट है, तो आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर ये प्रतिभा है, बस एक बार आप अपने आप पर विश्वास करो और उसको कुछ ऐसा करो कि लोग मतलब देखते रह जाए। दूसरी बात, बाबा साहब ने भी पहली बात कही थी कि शिक्षित बनो, है ना, तो बाबा साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में सब विश्व में अगर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कोई व्यक्ति थे
तो वो बाबा साहब थे, क्योंकि बाबा साहब ने 32 डिग्री हासिल करी थी और बाबा साहब की शिक्षा की वजह से, उनकी डिग्रियों की वजह से विश्व भी आज उनको पूछता है। और 14 अप्रैल जो कि बाबा साहब का जन्मदिवस होता है, जो विश्व का सबसे जो ताकतवर देश है अमेरिका, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज से घोषित किया है। क्या ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है? हमारे बाबा साहब ने इस भारत का संविधान लिखा और हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हमें बाबा साहब की किताबों से और उनके बातों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कभी भी किससे कमजोर ना रहें, चाहे वो कैसा भी क्षेत्र हो, और शिक्षा इतनी हासिल करें कि अगर शिक्षा के मामले में अगर हमसे कोई पूछ लेता है तो हम तुरंत उसका जवाब दे दें। दूसरी बात, हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में अभी जो चल रहा है टांग खींचने वाला सिस्टम चल रहा है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि हम टांग खींचने की बजाय अगर हाथ खींचेंगे तो हमारा समाज बहुत आगे पहुंच सकता है। दूसरी बात, हमारा समाज आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? हम 2 मिनट के लिए अपन राजनीति क्षेत्र की बात करता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि अपने मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा हमारे समाज के एक भी व्यक्ति को विधानसभा या लोकसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे समाज में राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जिसे कोई भी एक राजनीतिक पार्टी का जो है उसको सिलेक्ट करने की, भाई मेयर समाज से पुराना आदमी भी विधायक बन सकता है, इस बात पर हमें विचार करने की जरूरत है। एक और बात, संगठन हमारे समाज में बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि संगठन बहुत सारे बन गए लेकिन सिर्फ नाम मात्र के बने हुए हैं, काम कोई जरा तौर पर करता नहीं है। वो सी बात, किसी को मेरी भूख लग जाए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, आप यहाँ पर बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मेरा आपसे यही कहना है, संगठन कोई सा भी हो काम होना चाहिए, धरातल पर काम दिखना चाहिए। आज हमारे समाज के ऊपर बहुत से गाँव में अन्याय अत्याचार होता है, जुर्म जाति होती है, बहुत कम ऐसे समाज के लोग होते हैं जो उस घटना जहाँ पर घटना होती है वहां पर तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और उसके लिए लड़े लड़ते हैं। मैं इस मौके पर हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी हमारे समाज पर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार हो, जुर्म जाति हो, किसी के हक अधिकार की बात हो, तो सबसे पहले वहां पर पहुंचे और उस व्यक्ति को उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़के उसके हक अधिकार दिलाए। वक्ता और बहुत बैठे हैं, मेरा समय वक्ताओं को देना चाहूंगा, मैं बहुत छोटा हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत नमस्कार। धन्यवाद विनोद जी भाई साहब। अब तक तो शिक्षा क्षेत्र की बात हुई थी, अगला जो बिंदु है कैरियर गाइडेंस का। आप सभी यहाँ 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, यानी यहाँ बैठे जो छात्र छात्राएं वो या तो 11वीं में या फर्स्ट ईयर में। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री बीएल सिसोदिया जी डॉक्टर साहब को कि वो आए और आपको मार्गदर्शन दें और कैरियर संबंधी जो है जानकारी प्रदान करें। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे सभी प्रतिभावान छात्र स्कूली शिक्षा तो आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको आगे जो गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि वो क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, किस क्षेत्र में रुचि है, इसके बारे में कोई मार्गदर्शन देने वाला मिलता नहीं है। और उसके बाद फिर वो या तो घर बैठ जाते हैं या अनचाहा कोई भी सब्जेक्ट चुन के और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। किसी को विज्ञान में रुचि है, उसको आगे गाइडेंस नहीं मिला, किसी ने दोस्त ने बोला कॉमर्स ले लो, कॉमर्स ले ली, किसी ने बोला कि बीए कर ले, मैं भी बीए कर रहा हूँ, तो उसने बीए कर ली। आप लोगों के लिए इस तरीके से समझाने के लिए बताने के लिए कोई भी काउंसलर मिल नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात है करियर काउंसलिंग में कि हमारी इच्छा शक्ति किस में है, कौन से सब्जेक्ट में है, हमारी रुचि कौन से सब्जेक्ट में है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर ही बने या इंजीनियर ही बने
अगर किसकी पढ़ने पढ़ाने में ज्यादा रुचि है तो वो शिक्षक प्रोफेसर लेक्चरर बन सकता है। किसी की विज्ञान में रुचि है तो उसको मेडिकल की लाइन में जाना चाहिए, जैसे डॉक्टर बन जाए। उसके अलावा भी पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्स हैं जो बच्चों को पता ही नहीं रहते हैं और उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं रहते कि बारहवीं कर ली अब कहीं करेगा मांडो करता। ये बहुत जरूरी सोच रहती है कि वह उसका उसका पूरा कैरियर तबाह कर दिया। वो बच्चा रोजगार से नहीं है, कमाने लायक नहीं हुआ है, ज्ञानार्जन हुआ नहीं है, उसकी कोई स्ट्रीम खुली नहीं है और उसकी शादी कर दी। अब तो पेरेंट्स को भी इस विषय पे ध्यान देना होगा, तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। पैरामेडिकल के अंतर्गत भी स्टाफ नर्स के कोर्स चल रहे हैं, जनरल नर्सिंग के कोर्स चल रहे हैं, रेडियोग्राफर के कोर्स चल रहे हैं, लैब टेक्नीशियन के कोर्स चल रहे हैं। आपकी रुचि, अधिकतर आजकल शिक्षा को भी क्या है, प्राइवेटाइजेशन का रूप दे दिया गया है, इसलिए हम लोगों को और हमारे समाज के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बारहवीं तक आसानी से कर ली, उसके बाद आगे के टेक्निकल कोर्स करने के लिए भारी भरकम फीस की आवश्यकता होती है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। उसके लिए एजुकेशन लोन का प्लेटफॉर्म तैयार रहता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं रहती है, रोजगार कार्यालय में हमको इसकी जानकारी मिल जाती है। ये फीडबैक क्यों आ रहा है, आवाज वॉल्यूम कम हो रहा है। इसके साथ ही जो बच्चे टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियर ही बने, उसके लिए आईटीआई के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें वो अपने रुचि के सब्जेक्ट लेके योग्यता हासिल करके और आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेशन आजकल बहुत अच्छे इसमें चल रहा है, इंटीरियर डेकोरेशन में भी डिप्लोमा होता है। जिन लोगों की आर्ट्स सब्जेक्ट में रुचि है तो वो आगे बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद LLB कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं। कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो वो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी इस विषय को पढ़ने में रुचि है, जब तक हमारी रुचि उस सब्जेक्ट में जागृत नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और केवल बारहवीं करके और फिर वापस वही हमारा जो पुश्तैनी काम है खेती बाड़ी का वो करना शुरू कर देंगे और जीवन घुटन भरा जीवन, कह रहे मेरे को मौका नहीं मिला, मुझे बताया नहीं किसी ने, मैं भी पहुंच जाता। तो इन चीजों पे हमारे पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग बैठे हैं, आके चर्चा करें, हमारे से जितना भी बन पड़ेगा उतना हम प्रयास करेंगे उसको उस स्ट्रीम को दिलाने के लिए। इतना ही कह के मैं अपना स्थान दूं। अब मैं आदरणीय ओम प्रकाश जी गहलोत सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और बच्चों का करियर मार्गदर्शन संबंधी जो है ज्ञान वितरित करें। नेक्स्ट सेशन करियर मार्गदर्शन का भी आयोजन करता हूँ, रखा था। जैसा कि डॉक्टर सिसोदिया जी ने मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे लोग आपके सामने रखे, मैं बेसिक से शुरुआत करता हूँ। आप लोगों में से दसवीं वाले कौन कौन से हाथ ऊंचे करें,
तो 10th के बाद करियर की शुरुआत होती है। 10वीं के बाद आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सी स्ट्रीम में मेरे को जाना है। मेरे को आर्ट्स में जाना है, मेरे को साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, IIT में जाना है। आपके ऑप्शन खुले रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर थोड़े सीमित हो जाते हैं। आपको पर्टिकुलर उसी में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10वीं के बाद मेन स्ट्रीम रहती है ना, साइंस में भी 2 स्ट्रीम रहती है, मैथ्स या बायो। यदि आपको मेडिकल सेवाओं में जाने की आवश्यकता है, यह आपकी रुचि है, तो आप साइंस बायो ले सकते हैं। और हमारे सामने रोल मॉडल के रूप में डॉक्टर साहब बैठे हैं, यदि आपको इस संबंध में कोई परेशानी आए तो आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इंजीनियरिंग सेवा में जाना है तो आप मैथ्स लें, है ना। मैथ्स के बाद आप जो है कंप्यूटर भी ले सकते हैं, CS ले सकते हैं, उसमें बहुत सारी उसमें सब ब्रांचेस हैं। इसके अलावा फिर आपने जैसे 12th कर लिया जिस सब्जेक्ट से और वहाँ से आप डिग्री करते हैं, यदि साइंस से निकलेंगे तो आप BSc करेंगे या कॉमर्स से जो है BCom करेंगे, यदि लॉ फैकल्टी में चले गए हैं तो LLB कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से फिर स्पेसिफिक ब्रांच शुरू होती है। यदि आप सिविल सेवाओं की तैयारी करना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आपको 12th के बाद ही शुरू कर देना चाहिए। प्रशासनिक सेवा मीन्स यदि आपको कलेक्टर, SP ये बनना हो UPSC लेवल पे, और यदि MPPSC लेवल पे जाना हो, डिप्टी कलेक्टर, DSP, CU, तहसीलदार, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर लेंगे और उसके बाद इसकी तैयारी करना पड़ेगी आपको। उसके 3 चरण होते हैं, है ना, प्रारंभिक, उसके बाद मुख्य, और फिर जो होता है उसका इंटरव्यू। तो यदि आप ग्रेजुएशन के बाद में उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मन लगा के तैयारी करना पड़ेगी। और साथियों, इसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं रहती है। यदि आपके अंदर कुवत है, आप तैयारी करने का मादा रखते हैं, जुनून है आपके अंदर, तो आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना तैयारी का जो स्तर है वो 12th के बाद ही शुरू कर देना पड़ेगा, है ना। यहीं से आपको कॉम्पिटिशन मैगजीन जो है वो पढ़ना पड़ेगी। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर को भी पढ़ने का एक तरीका होता है। न्यूज़पेपर में सामान्यतः बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, बहुत सारी सूचनाएं होती है, लेकिन आपकी जो दृष्टि से एक ब्रेनफुल पर्सन को जो पढ़ना चाहिए कंपटीशन की दृष्टि से, वो एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ्रंट पेज पढ़ें, है ना। फ्रंट पेज में जो न्यूज़ रहेगी उससे रिलेटेड आपको सभी इंफॉर्मेशन जुटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप कॉलेज स्तर पर हैं तो वहाँ के फैकल्टी से मिलें, यदि आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में कोई उस विषय को अच्छे से समझता है तो उससे भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो एडिटोरियल जो रहता है वो पूरी उसकी वो जान रहता है, यूँ कह सकते हैं, है ना। उस समाचार पत्र का जो पूरा उसका निचोड़ है वो एडिटोरियल में रहता है। जैसे मान लो कोई भी घटना नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है या राज्य स्तर पे उसका कोई प्रभाव है, बहुत ज़्यादा उस पर प्रतिक्रियाएँ हो रही है, तो उसको समझना चाहिए आपको। सूचनाएँ अपने आजू बाजू से जाती है लेकिन हम उनको कहीं समझ नहीं पाते, हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं होती, तो समझना चाहिए। और समझने के लिए हम हमारे आसपास देखें, फ्रेंड सर्कल से बात करें, फिर हमारे जो टीचर्स हैं, आप यदि स्कूल एजुकेशन में हैं तो उनसे चर्चा करें खुल के। हमारे जो बच्चे रहते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े दब्बू प्रकृति के भी हो जाते हैं, है ना, बैक सीटर हो जाते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो हमको थोड़ा सा हमारे टीचर्स से प्रश्न भी पूछना चाहिए। कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो क्लियरिफाई करना चाहिए, नहीं तो होता क्या है कि केवल हम बैठे हैं, है ना, जब तक वो बातें चल रही है, कोई लेक्चर चल रहा है, लेक्चर खत्म हो गया, हम चले गए। तो कंपटीशन का जो ये भी वर्तमान समय चल रहा है, बहुत ही हार्ड लेवल पे आपको तैयारी करना पड़ेगी, तभी आप जो है इन सेवाओं में कहीं ना कहीं अपने आप को देख पाओगे। विशेष रूप से UPSC और PSC के मैं बात कर रहा हूँ। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी वही क्वालिफिकेशंस है जो MBBSC या PSC जो स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम होती है उसकी रहती है। यानी कि ग्रेजुएशन, इसमें भी किसी भी विषय में आपका ग्रेजुएशन हो तो आप इस सेवा में राज्य स्तर पर भी बैठ सकते हैं और
नेशनल स्तर पे, यानी कि यूपीएससी में यदि आप इंटरेस्ट लेते हैं, बात वही है, आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना। और मेरे को नहीं लगता है कि उसके लिए आपको कहीं ना कहीं नेशनल लेवल की कोचिंग की जरूरत रहेगी, है ना। आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, और आज का समय तो ऐसा है, स्मार्ट क्लासेस वगैरह आप अपने घर में भी डेवलप कर सकते हैं। इंटरेक्टिव बोर्ड ले आए, है ना, स्मार्ट क्लास वहीं घर पे बना ली, जहाँ की भी आप कोचिंग अटेंड करना चाहते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन की, है ना, उसकी फ़ी आप जमा कर दें ऑनलाइन, और घर बैठे बैठे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से नॉलेज अचीव कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि दिल्ली मुंबई वहाँ जाने की ज़रूरत है, बेंगलोर जाने की या कोटा जाने की ज़रूरत, आप अपने घर पर ही तैयारी कर सकते हैं। बात यही है कि आपको तैयारी उस लेवल से करना पड़ेगी, समय ज़ाया नहीं करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप जो है, मैंने जैसे पूर्व में कहा, मोबाइल में लगे हुए हैं, घर वालों को भी गुमराह कर रहे हैं कि मोबाइल से हम नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा वैसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, समय ज़्यादा रहता है, और फिर कहीं ना कहीं फिर आप बाहर कर दिए जाएंगे, एक दो साल के बाद में फिर देखेंगे, घर वाले भी बताएंगे कि भाई बहुत हो गया बेटा, अब आ जा, अब पैसा भी नहीं है हमारे पास ज़्यादा लगाने के लिए। तो सिविल सेवाओं की तैयारी यदि आपको करना है तो उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं, है ना। कंपटीशन मैगजीन को पढ़ें, जो पर ईयर तरह तरह की कंपटीशन मैगजीन आती है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, प्रतियोगिता निर्देशिका है ना, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है, इनका आप अध्ययन करें अभी से, है ना। स्कूली एजुकेशन से इनका आप अध्ययन शुरू कर दें, और नियमित रूप से समाचार पत्र का अध्ययन करें। और समाचार पत्र कैसे पढ़ना है, जैसा मैंने बताया, अच्छा पढ़ने का भी एक तरीका होता है। पढ़ने में होता क्या है कि हम एक एक पेज को पूरी तरह से कंप्लीट करते जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। आपको पढ़ने के लिए रामायण महाभारत कुरान की तरह आगे पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे हमारे जो दादाजी हैं, है ना, वो धर्म ग्रंथों को पढ़ते थे, वो याद नहीं करते थे, है ना। वो जैसे कि आज दो पेज पढ़े, तीन पेज पढ़े, ख़त्म कर लिया, फिर दूसरे दिन फिर पढ़े, ऐसे करते करते वो पूरी उसको कंप्लीट कर लेते थे, फिर वापस शुरू कर देते थे। और कभी जब प्रसंग ऐसा उठता था तो फट से उनके दिमाग में वो चौपाई निकल आती थी। तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, है ना, टर्न बाय टर्न आप पढ़ते रहें और नॉलेज अचीव होता जाएगा, और न जाने कब आप पारंगत हो गए, आपको जो है मतलब पता ही नहीं चलेगा। तो पढ़ने का भी वो स्टाइल होता है ना, लेबरिंग करना पड़ेगा, है ना। लेबर क्या होती है, लेबर जो है यानी कि श्रम करने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, है ना, वो लेबर करता रहता है। तो पढ़ने का भी तरीका वही है ना। ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने वाले कोई विशेष लोग होते हैं, वही हम जैसे ही लोग रहते हैं, है ना, हम में से ही लोग अचीव करते हैं नॉलेज को। मतलब ये मनुष्य के बस की ही बात है, देवताओं के बूते की बात नहीं है, ना मूर्खों के बूते की बात। तो हम मनुष्य हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। पहले तो ये कॉन्फिडेंट लाना पड़ेगा आपको अपने आप को, कि भाई अपने आप में कि मैं कर सकता हूँ, मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। और जब ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा उसके बाद आप हर काम कर सकते हैं। बहुत सारे रोल मॉडल है हमारे समाज में भी है, आप इधर उधर देखेंगे तो मिल जाएंगे, है ना। तो किसी को भी आप रोल मॉडल मान सकते हैं। और फिर हमारे एंशियंट टाइम में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा एकलव्य के बारे में, तो हम कहीं ना कहीं एकलव्य के अनुयायी भी है। एकलव्य को उनके गुरुओं ने शिक्षा देने से वंचित कर दिया था, मना कर दिया था कि चूंकि आप दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़ी जाति के हैं, आपका अधिकार ही नहीं है। लेकिन आज का समय तो बड़ा अलग ही समय है ना। मतलब पहले जो कहा जाता था कि सदयुग था, ये था, लेकिन सबसे बढ़िया युग तो अपने लिए अभी आया है। आप जैसा चाहे वैसा नॉलेज अचीव कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं, आपको केवल प्रयास करना पड़ेगा। वो प्रयास कौन सा, वो सर्वोच्च स्तर का है ना, ऐसे टालम टोल वाला नहीं, आज पढ़ा कल छोड़ दिया। यदि व्यक्ति एक दिन पढ़ना छोड़ देता है, मैं ऐसा मानता हूँ, यदि व्यक्ति एक दिन विद्याध्ययन करना छोड़ देता है तो कंपटीशन में 5,000 लोगों से पीछे हो जाता है, ठीक है ना। तो पूरा समय बड़ा ऐसा चल रहा है कि कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको निचले स्तर से तैयारी करना पड़ेगी। और एक बार जो टारगेट डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस फील्ड में जाना है तो उसी में जाना है, ऐसा नहीं कभी उधर चले गए कभी उधर चले गए। एक उदाहरण है मेरे सामने, मैं नाम नहीं लूंगा, तो आप जो है कभी किस स्ट्रीम को लेते हैं, फिर किसको छोड़ देंगे, फिर उसको लेंगे तो माया मिले ना राम वाली स्थिति हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार जो टारगेट सेट कर लें उसी टारगेट को आप अचीव करें। वन थिंग एट ए टाइम एट दैट डन वेल, एक समय एक ही काम होता है ना। और उसी दिशा में आपको इस स्पेसिफाई करना चाहिए।
अपनी डिग्री को विशिष्टता की ओर ले जाना चाहिए, तो आपके करियर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, है ना। बार बार स्ट्रीम बदलेंगे तो फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो मैं केवल दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को यही विराम दूंगा कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, है ना। जोरदार तालियां हो जा। इतना योग्य बनाना पड़ेगा, है ना। और यदि आपको कोई और परेशानी हो करियर से रिलेटेड, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, है ना। हर समय मैं यही उपलब्ध हूँ गवर्नमेंट कॉलेज शामगढ़ में, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कभी भी आके पूछ सकते हैं कि मेरे को इस स्ट्रीम में जाना है। क्योंकि चूंकि जो करियर काउंसलर वाली बात आती है, तो उसके लिए सीमित समय में सभी बातों को करना संभव नहीं है, अलग अलग बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, है ना। तो आप पहले ये डिसाइड करें कि मेरे को करना क्या है ना, और उसके लिए अपने माता पिता से, फिर जो है अपने टीचर से, और उसके बाद फिर काउंसलर के पास आए इसमें बोलो, और एक बार जो डिसाइड कर लिया उसके बाद पीछे नहीं जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इन चीजों को अमल में लाएंगे तो अपने करियर को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से सुना, मेरे को मौका दिया यहाँ, और यहाँ की जो आयोजन समिति है बहुत शानदार आयोजन किया, और बड़ा अच्छा लग रहा है, भावभोर हूँ मैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस शख्स को यहाँ बुलाना चाहता हूँ जिनके सानिध्य में सर्वप्रथम पहली बार प्रतिभा सम्मान समारोह की शुरुआत उन्होंने ही की थी, और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बंसीलाल जी पटवारी साहब, पूर्व अध्यक्ष को यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और दो शब्द कहें। इन्हीं की सानिध्य में हमने शुरुआत की थी, और इस साल फिर ये कार्यक्रम हो रहा है। सर आइए और दो शब्द कहिए। सर, अरे सर, बच्चों को मार्गदर्शन तो दीजिए। अरे सर, आप भी दो शब्द कहिए ना, आपकी वजह से ही शुरू हुआ ये कार्यक्रम, नहीं तो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। चलो धन्यवाद। और कोई समाज बंधु अपनी तरफ से कोई बात, इस कार्यक्रम से संबंधित कोई बात कहना चाहता है तो वो उनका स्वागत है। बंसीलाल जी सोलंकी साहब, तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहेब अंबेडकर तक सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, यहाँ पर आयोजित समिति के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उस समिति का स्वागत, और उसके बाद में हम यहाँ पर बैठे सभी वरिष्ठगण और हमारे सभी सहपाठीगण और प्यारे बच्चे, देखो सबसे पहले तो अपने देश में जो कानून लागू हुआ था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ देश, और उसके बाद में कानून लागू हुआ, तो उसकी फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते।